नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक में। मैं वीके शुक्ला आप सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, संस्था की तरफ से एक नया प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी के संबंध में आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला दी जाएगी जो ना तो किसी पुस्तक से कॉपी की गई है, ना किसी किताब की है, ना कहीं से लिया गया है, अपितु वह मेरे द्वारा स्वयं निर्मित किए गए हैं, बनाए गए हैं। चाहे वह कुछ करंट के मुद्दों से जुड़े हुए हों या आपके संविधान के अंदर से लिए गए हैं, ठीक है। वह 50 प्रश्न जो आपके सामने दिए जाएंगे, उन 50 प्रश्नों के माध्यम से पूरे संविधान को एक बार जो महत्वपूर्ण है परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें रिवाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों की उस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए, सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है सामने आपके बोर्ड पर दिख रहा है वह है सबरीमाला मंदिर प्रकरण। बहुत ही विवादास्पद मुद्दा रहा है कि सबरीमाला मंदिर प्रकरण किस नाम से जाना जाता है। देखिए, ये तो मुद्दा जो आपका है दिख रहा है कि सबरीमाला मंदिर प्रकरण, ये तो है उस मंदिर से जुड़ा हुआ केस, लेकिन कोई भी मामला जब होता है तो वह किसी न किसी नाम से चलाया जाता है, ठीक है। तो सबरीमाला मंदिर प्रकरण किस नाम से जाना जा रहा है, किस केस के नाम से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है कोर्ट में, या किसके नाम से चल रहा है। एक सबरीमाला मंदिर प्रकरण तो इसका सब जो है उपनाम हो जाता है, अपितु यह पूछा जा रहा है कि सबरीमाला मंदिर प्रकरण। चलिए इसको समझने से पहले, इसका आंसर देखने से पहले हम लोग ये देख लें कि वास्तव में सबरीमाला मंदिर का जो प्रकरण है वह क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों जो है इसका प्रारंभ हुआ। तो सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल में स्थित है, केरल में स्थित एक मंदिर है ये, जिसमें भगवान अय्यप्पन विराजमान है। इस मंदिर का जो विवाद है वह इस कारण है दोस्तों कि इस मंदिर में एक वर्ग विशेष मींस आयु विशेष की महिलाओं को जाने से प्रतिबंधित किया गया है। जैसे यहां पर कहा गया है कि 10 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश से वर्जित किया जाता है, ठीक है। ये वर्जित जो किया गया है महिलाओं को, इस आधार पर किया गया है जो धार्मिक आधार लिया है, मंदिर का जो व्यवस्था देखता है वो देखता है देवस्वम बोर्ड। तो देवस्वम बोर्ड की तरफ से जो तर्क दिया गया था वो दिया गया है कि भगवान अय्यप्पन जो है, क्योंकि भगवान अय्यप्पन जो है वो इन्होंने विवाह नहीं किया था, ये कुंवारे थे, है ना, तो इन्होंने विवाह नहीं किया था, इस कारण से जो एक वर्ग विशेष की महिला है इनको इस मंदिर में जाने से रोका गया है। इसी आधार पर संस्थाओं ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिट पिटीशन दाखिल किया और उन्होंने कहा कि यह जो प्रतिबंध लगाया गया है यह लिंग के आधार पर लगाया गया है, और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध किया जाना अनुच्छेद 15 के तहत क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। अनुच्छेद 15 कहता है, क्या कहता है अनुच्छेद 15 कि, अनुच्छेद 15 की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इन 5 चीजों पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक है, विभेद का प्रतिषेध मींस यहां पर किसी भी तरीके से इन 5 आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ, भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु सबरीमाला मंदिर में यदि हम बात करते हैं तो सबरीमाला मंदिर में 10 से लेकर
50 वर्ष तक की आयु की जो महिलाएं हैं उनके मंदिर में प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी प्रतिबंध को चुनौती दी गई न्यायालय में, इसी प्रतिबंध को जब चुनौती दी गई है न्यायालय में, तो किस नाम से यह जाना जा रहा है? यह केस का नाम है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये नाम है इस केस का, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस नाम से एक पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 28 सितंबर 2019 को जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने, जस्टिस रंजन गोगोई जो फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं भारत के, तो जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से यह निर्णय दे दिया, 3-2 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि यह जो प्रतिबंध लगाया गया है 10 से 50 वर्ष तक की महिला को उसमें प्रतिबंधित किया गया है, यह प्रतिबंध पूरी तरीके से असंवैधानिक है। लेकिन पांचों जजों ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया कि यह मामला जो इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला है, यह लार्जर बेंच को सौंप दी जाए। लार्जर बेंच मींस अब यह फैसला कौन देगा? 7 जजों की संवैधानिक पीठ अब इस मामले में बैठेगी। दोस्तों 7 जजों की संवैधानिक पीठ बैठेगी जो सबरीमाला मंदिर में माननीय उच्चतम न्यायालय की जो 5 जजों की संविधान पीठ ने जो निर्णय दिया है, क्या वह निर्णय संविधान सम्मत है या नहीं है, इस बात की जानकारी करने के लिए, इस बात को की विवेचना करने के लिए इस मामले को क्या कर दिया गया है, 7 जजों की संवैधानिक पीठ को यह मामला सौंप दिया गया है। ठीक है, तो यह रहा सबरीमाला मंदिर प्रकरण। तो सबरीमाला मंदिर प्रकरण जो है वह भारत के संविधान के किस भाग से जुड़ा है? तो मौलिक अधिकार के भाग यानी भाग 3 से जुड़ा है। भाग 3 से जो अनुच्छेद 15 में उल्लिखित मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक वर्ग विशेष की, आयु विशेष की महिलाओं को इस मंदिर में जाने से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अब कौन सुनेगा? 7 जजों की जो है संवैधानिक पीठ इस मामले को अब फिर से सुनेगी। ठीक, तो सबरीमाला मंदिर की यदि हम बात करें कि सबरीमाला मंदिर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो वह उसका आंसर होगा ए, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यह हाल का मुद्दा है, लेटेस्ट मुद्दा है, संविधान के अनुच्छेद 15 से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो यदि हम भारत के संवैधानिक विकास की बात करें दोस्तों, भारत के संवैधानिक विकास है ना, तो संवैधानिक विकास की यदि बात करते हैं तो भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में हुआ है। कौन कौन से चरण है भारत के संविधान के विकास की? एक तो है कंपनी के अधीन जो शासन व्यवस्था थी, कंपनी के अधीन शासन व्यवस्था जो कि 1773 से लेकर 1853 तक चलती है, और उसके बाद फिर आता है क्राउन के हाथ में, क्राउन के अधीन शासन है ना, क्राउन के अधीन शासन जो कि चलता है 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक, तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक व्यापारिक संस्था
व्यापार करने आती है भारत में, कौन सी संस्था है? मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक व्यापारिक संस्था सन 1600 में आती है भारत में व्यापार करने, और व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे भारत में अपनी प्रशासनिक गतिविधियों पर भी जो है वह पकड़ बनाते हुए दिखने लगी। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार व्यवस्थापित तरीके से कंपनी के शासन को चलाया जाना प्रारंभ कर दिया गया। किसके द्वारा? 1773 के। तो इसी तरह से यदि बात करते हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट, है ना, किसके द्वारा व्यापारिक एकाधिकार को यदि समाप्त करने की बात करते हैं, तो यहां पर देखिए 1853 तक तो कंपनी के अधीन चली शासन व्यवस्था, फिर 1857 में होती है भारत में एक स्वतंत्रता संग्राम, भारत में एक सैनिक विद्रोह होता है, म्यूटिनी होती है 1857 में, जिसके बाद कंपनी में व्याप्त जो कुशासन था उस कुशासन का पता जो है वह अंग्रेजों को चलता है। तो इस कुशासन को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने कंपनी के अधीन से शासन व्यवस्था किसको सौंप दे रहे हैं, यहां पर क्राउन को हस्तांतरित हो जा रही, क्राउन को भेज दी जा रही है। तो जब क्राउन के अधीन शासन व्यवस्था चली जाती है तो आता है 1858 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो 1858 के चार्टर एक्ट और उसके बाद भी फर्दर कई सारे एक्ट आते हैं। तो यहां पर देखिए कह रहे हैं कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो पहले क्या था, कंपनी जो है जो एडवेंचर्स नामक व्यापारिक संस्था थी, ये क्या है, भारत में व्यापार करती थी, इसको लाइसेंस दिया गया था भारत में व्यापार करने के, अर्थात भारत में इसके अलावा और कोई भी व्यापार नहीं करता था, ठीक। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, किस चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में जो व्यापारिक एकाधिकार था एडवेंचर्स नामक व्यापारी संस्था की, मर्चेंट एडवेंचर्स, उन्होंने व्यापारी के एकाधिकार को किस एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा उन्होंने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त, यानी व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त करने का अर्थ यहां पर क्या हो रहा है कि जो व्यापार करने का अधिकार था वो अब केवल मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारिक संस्था यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही नहीं रह गया, अपितु अन्य व्यापारी भी अब भारत में क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। भारत में अन्य व्यापारी क्या कर सकते थे, अब व्यापार कर सकते, क्लियर है यहां पर। तो इन्होंने क्या किया, किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारी के एकाधिकार समाप्त किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारी के एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर, किस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का गठन हुआ था। देखिए भारत में कई तमाम प्रकार के सुधार चल रहे थे, तो उन सुधारों में इन्होंने किस चुनाव, किस शासन अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर क्या किया, इन्होंने निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की। देखिए भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे, उन्होंने इस बात को 1857 की क्रांति से बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था कि भारतीयों के धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, और उन्होंने इस एकता को तोड़ने का प्रयास किया, किस एक्ट के द्वारा, 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, यानी मार्ले उस समय क्या थे, भारत के सचिव थे दोस्तों, और मिंटो क्या थे, वह भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय, ठीक है, भारत की ये सचिव थे और ये भारत के वायसराय थे। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से जो सुधार भारत में किए गए वही सुधार मार्ले मिंटो सुधार नाम से जाने गए, ठीक है। तो इस सुधार के द्वारा कौन सा अधिनियम आता है, 1909 का भारत शासन अधिनियम आता है, और इसी शासन अधिनियम के तहत उन्होंने क्या किया, भारत में
पहली बार सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, किसके लिए? मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक, तो किस एक्ट के द्वारा? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। और इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय मार्ले कौन थे? भारत में सचिव के पद पर थे, क्योंकि जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद जब क्राउन के हाथ में ताज दे दिया जाता है तो 1858 का एक चार्टर एक्ट आता है, 1858 का चार्टर एक्ट आता है और इस एक्ट के द्वारा भारत सचिव के पद का सृजन किया जाता है और सचिव के रूप में लॉर्ड मॉर्ले को नियुक्त किया गया था। क्लियर है यहां पर? तो किस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का गठन हुआ? 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है यहां पर राम मंदिर विवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राम मंदिर विवाद किस वाद के नाम से जाना जाता है? ठीक है, हम सभी जानते हैं राम मंदिर विवाद, अयोध्या विवाद, राम मंदिर विवाद, लेकिन अभी पूछ लीजिए किसी से कि भैया उस केस का नाम बताइए, क्योंकि ऐसे मुकदमे नहीं चलते हैं न्यायालय में। मुकदमा किसी न किसी को पक्ष में रखकर और किसी न किसी को विपक्ष में रखकर चलाया जाता है। अब राम मंदिर विवाद हमने दे दिया यदि मान लीजिए, तो राम मंदिर विवाद क्या है? विवाद कौन सा विवाद है यह स्पष्ट नहीं होता है। तो यहां पर क्या है, राम मंदिर विवाद किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय की जो संविधान पीठ है, जस्टिस रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में जो संविधान पीठ बनी थी, उस संविधान पीठ ने अयोध्या का जो मामला था उस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह फैसला दिया कि जो अयोध्या में राम मंदिर की बात कर रहे थे हिंदू, उन्होंने यह माना, उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि वहां पर मंदिर के अवशेष पाए गए हैं और मंदिर के निर्माण का उन्होंने रास्ता मार्ग प्रशस्त कर दिया और सरकार को उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि एक ट्रस्ट बनाया जाए, उस ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और मुस्लिम पक्ष को भी उन्होंने संतुष्ट करने के लिए यह कह दिया कि प्रदेश में जहां पर भी सरकार के पास उपयुक्त जमीन होगी वहां पर उन्हें 5 एकड़ की जमीन देकर मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर यह मामला जो था यह बहुत पुराना मामला था, बहुत दिनों से विवादित था। 1993-94 में जो विवादित ढांचा था अयोध्या का वह गिरा दिया गया था कार सेवकों के द्वारा और उसके बाद इस्माइल फारूकी एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति थे, उन्होंने उच्च न्यायालय में यह पिटीशन दाखिल किया और उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा यह फैसला सुनाया गया था, लेकिन उस फैसले से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि किसका मालिकाना हक उस जमीन पर है। ठीक है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय में जब अपील की गई तो उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्णय को दिया गया और सर्वसम्मति से पूरे देश ने इस निर्णय को स्वीकार किया। तो हम देखते हैं यहां पर कि राम मंदिर विवाद किस नाम से जाना जाता है, कौन सा वह नाम है, किस केस के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वह है हमारा इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ। इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ का मामला यह अयोध्या मामले के नाम से या राम मंदिर विवाद के नाम से यह मामला जाना जाता है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, चाहे उसको आप अयोध्या विवाद कह लीजिए या राम मंदिर विवाद कह लीजिए, वह उसी नाम से जाना जाता है। तो इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ का मामला है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा कि इस्माइल फारूकी यह राम मंदिर विवाद किस नाम से जाना जाता है। आगे आइए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न है यह कि किस केंद्रीय कानून द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह,
बहुत ही विवादित मुद्दा रहा है। किस केंद्रीय कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उपबंधित प्रावधानों को निष्प्रभावी बना दिया गया। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 370 है क्या। अनुच्छेद 370 क्या था? अनुच्छेद 370 जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया जाता था। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 370 के द्वारा। विशेष दर्जा का अर्थ क्या था? विशेष दर्जे का अर्थ यह था कि केंद्र द्वारा बनाया गया कानून, केंद्र द्वारा बनाया गया कानून वहां लागू करना है या नहीं करना है, इस बात का निर्णय कौन लेता था? इस बात का निर्णय यहाँ की जो राज्य विधानमंडल थी, यहाँ की जो विधानमंडल थी वह निर्णय इस बात का लेती थी, ठीक, कि यहाँ पर क्या करना है, केंद्र के बनाए कानूनों को हम लागू करेंगे या नहीं लागू करेंगे, इस बात का निर्णय जम्मू और कश्मीर का जो विधानमंडल था वह लेता था, ठीक है। और अलग से फंड दिए जाते थे और तमाम प्रकार की जो सुविधाएं थी वह दी जाती थी, ठीक है। तो अनुच्छेद 370 के प्रभाव को देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्रावधानों को निष्प्रभावी बनाया गया है, ना कि उन प्रावधानों को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 को रिपील नहीं किया गया, डिलीट नहीं किया गया संविधान से, वह संविधान में आज भी बरकरार है। आप भारत के संविधान का की पुस्तक उठा के देखेंगे तो अनुच्छेद 370 आज भी आपको विद्यमान मिलेगा। वहां पर यह नहीं लिखा गया है कि विलोपित या हटा दिया गया है, अपितु क्या किया गया है, 370 के जो प्रभाव था उस प्रभाव को खत्म कर दिया गया है। अर्थात जो पहले विशेष दर्जा था, उस विशेष दर्जे का जो प्रावधान था, उस प्रावधान को क्या किया गया है, निष्प्रभावी बना दिया गया है, उस प्रावधान को, उस प्रभाव को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। और प्रभाव को खत्म करने के कारण कई सारे जो है वहां पर बहुत ही अच्छी चीजें भी हुई हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। तो पहले आंसर देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा ऐसा जो है केंद्रीय कानून है जिसके द्वारा 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी बना दिया गया है, तो वह है दोस्तों जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जो यह प्रभाव था इस एक्ट का, इस अनुच्छेद का, उस अनुच्छेद के प्रभाव को क्या कर दिया गया है, निष्प्रभावी बना दिया गया है, निष्प्रभावी बना दिया गया है, ठीक। अर्थात क्या इस प्रावधान को पुनर्जीवित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्या किया है इन्होंने, समाप्त नहीं किया गया, निष्प्रभावी किया है। अर्थात यदि कोई अगली सरकार, कोई अगला जो है केंद्र में सत्ता में आती है सरकार, वो चाहे तो अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को फिर से जो है वह डेवलप कर सकती है, जीवित कर सकती है। अब इसके द्वारा क्या हुआ, जब 370 को उन्होंने समाप्त कर दिया, तो जब जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किया तो उन्होंने ये कह दिया कि अब जम्मू और कश्मीर राज्य संघ शासित राज्य होंगे, संघ शासित राज्य। तो संघ शासित राज्य कर दिए किसको, J&K को। जम्मू और कश्मीर संघ शासित राज्य हो गया तथा लद्दाख को बाहर निकाल के लद्दाख को भी संघ शासित प्रदेश की कैटेगरी में लाकर रख दिया गया। तो यदि अब बात करते हैं राज्यों की कि भारत में कुल कितने राज्य हैं इस समय, तो इस समय भारत में कुल 28 राज्य, और यदि केंद्र शासित राज्यों की बात करें दोस्तों तो केंद्र शासित राज्य हो गए हैं 9। तो यहां से पहले जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता था,
परंतु अब राज्य की कैटेगरी से जम्मू कश्मीर को निकाल दिया गया है क्योंकि यह केंद्र शासित में हो गया। केंद्र शासित में पहले 7 थे और अब हो गए हैं 9। तो एक यह भी महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको याद रखना चाहिए कि वर्तमान समय में यदि राज्यों की बात करते हैं हम दोस्तों, तो राज्य कितने हैं 28 और केंद्र शासित कितने हो गए हैं 9 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। एक और परिवर्तन इसके साथ यह हुआ कि जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा थी, विधान परिषद थी, उस विधान परिषद को भी समाप्त कर दिया गया। तो अब यदि पूछा जाए कि विधान परिषद की संख्या कितनी है पूरे भारत में, तो मात्र अब 6 राज्यों में विधान परिषद रह गई है, 6 राज्यों में। तो इस एक्ट के द्वारा, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जो प्रावधान थे उनको क्या कर दिया गया, निष्प्रभावी बना दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको दोस्तों कि कौन सा ऐसा केंद्रीय कानून है जो जम्मू कश्मीर के संबंध में जो अनुच्छेद 370 था संविधान का, उसे निष्प्रभावी बना दिया गया है, तो वह है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, जैसे संसद की बात हम करते हैं दोस्तों, तो यदि संसद की बात करें तो संसद किससे किससे मिलकर बनती है। ठीक है, तो संसद कैसी है हमारी, द्विसदनात्मक, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, हालांकि संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक है, लोकसभा ये क्या है, लोकप्रिय सदन होता है, या इसे निम्न सदन कहते हैं हम। ठीक है, यह क्या है, उच्च सदन है। ठीक, यहां की जनता का, यहां के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, और यहां पर कैसा होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष। उसी तरह यदि राज्य की विधायिका की बात करें हम, राज्य विधानमंडल की बात करें, राज्य विधानमंडल की, तो राज्य विधानमंडल भी कैसे निर्मित होता है, उनके लिए भी यही प्रक्रिया है, विधानसभा, यदि जिस राज्य में विधान परिषद है तो वहां पर विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर विधानमंडल, यानी राज्य का जो विधानमंडल होता है, उस राज्य के विधानमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, तो यदि यहां पर देखिए विधानसभा और विधान परिषद, तो यहां पूछा जा रहा है कि कुल कितने राज्यों में वर्तमान समय में विधान परिषद है, तो अभी तक कुल कितने राज्यों में थी दोस्तों, 7 राज्यों में विधान परिषद थी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया इस प्रश्न के पहले कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था, यानी अनुच्छेद 370 के तहत जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों को क्या कर दिया गया है, निष्प्रभावी बना दिया गया है, शून्य कर दिया गया है। इस कारण विधान परिषद को भी क्या कर दिया गया, उन्होंने एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। ठीक है, तो यदि वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में कुल 6 राज्यों में, ठीक है, कुल 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद का जिक्र मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, यह भी विवादित मुद्दा है आपका कि आप देखिए बहुत सी जगहों पे भारत के, जैसे यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, शाहीन बाग, आपके इलाहाबाद में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कौन सा वो बाग है, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, किसका विरोध चल कर रहे हैं, वो CAA का, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं विरोध, उनका यह कहना है कि यह नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लाया गया है, वह नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा मुसलमानों की नागरिकता ले ली जाएगी।
ठीक, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा किसी भी भारतीय नागरिक की, यहां ध्यान दीजिएगा मैं कह रहा हूं, किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं ली जाएगी। मींस वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसकी जाति धर्म संप्रदाय या समुदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता उससे वापस नहीं ली जाएगी। ठीक है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं किया गया है इस बिल में, इस एक्ट में, अपितु नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। विवाद किस बात का है? विवाद है, उन्होंने कहा है हिंदू शरणार्थी जो किसी अन्य देशों में क्या है, प्रताड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। तो प्रताड़ित कौन है? हिंदू जो प्रताड़ित है उनको नागरिकता देने की ये बात कर रहे हैं, इस कारण वो विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि आप मुस्लिम्स को भी नागरिकता दें। ठीक है, तो यहां पर इनका तर्क अपना है और इनका तर्क अपना है, हालांकि वो तर्क से हमें लेना देना कुछ भी नहीं है दोस्तों। वो तर्क उनके अपने राजनैतिक तर्क हैं, उनके अपने तर्क हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहां पर जो हम देखेंगे दोस्तों वह यह देखेंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा भारतीय संविधान का भाग दो किसके डील करता है? नागरिकता से। ठीक है, नागरिकता से, ठीक, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बताया गया है नागरिकता। कौन सा अनुच्छेद प्रभावित होता है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 या कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, यहां पर नागरिकता संशोधन अधिनियम किया गया है, तो इससे पहले जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, ठीक है, ये प्रश्न मैंने इसलिए यहां पर डाला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे बीच के लोग रहते हैं जिनका यह कहना रहता है कि संविधान में संशोधन हुआ है। मैं आपको यह बता दूं दोस्तों कि यह संविधान संशोधन नहीं है, अपितु नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है, ना कि भारत के संविधान में संशोधन किया गया है। ठीक है, तो यहां पर भारतीय संविधान का कोई भी अनुच्छेद इससे प्रभावित नहीं हो रहा है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक जो नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता देने से संबंधित है, नागरिकता के अर्जन से संबंधित है, नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है, उसके कोई भी प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे हैं क्योंकि यह संविधान संशोधन नहीं है दोस्तों, वरन यह क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया संशोधन है जिसके द्वारा भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित कोई भी अनुच्छेद प्रभावित नहीं होंगे। यह मैंने इस प्रश्न को इसलिए यहां पर डाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यह कमेंट आता है कि सर संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में यह संशोधन प्रभावी नहीं होगा। यह संशोधन प्रभावी होगा दोस्तों केवल नागरिकता अधिनियम 1955 में। क्लियर है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही लेटेस्ट है। ठीक है, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी रिटायर्ड जज हैं ये, बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है? जस्टिस पुट्टास्वामी ने, जो केंद्र सरकार ने आधार कार्ड की
कुकी कंपलसरी कर दिया था आधार कार्ड को, हर जगह पर उन्होंने कहा कि आधार के बिना जो है कोई काम नहीं होगा, हर जगह आपको आधार कार्ड देना है। तो जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की और उस पिटीशन के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार से यह जवाब मांगा कि क्या केंद्र सरकार के पास कोई ऐसा पुख्ता तंत्र है, कोई ऐसी पुख्ता प्रणाली है जिस प्रणाली के द्वारा वो यह कह सकते हो कि जो नागरिकों के डेटा को लिए जा रहे हैं, जो नागरिकों के डेटा लिए जा रहे हैं आधार कार्ड बनाते समय, जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं दोस्तों तो उस समय आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, है ना, उस वक्त आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और आपकी आंखों की जो रेटिना है उसको, आंखों की रेटिना को भी कैच किया जाता है। तो वो जो आपका डेटा है, क्या वो डेटा भारत सरकार के पास कोई ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के माध्यम से आप यह कह सकें कि प्रत्येक नागरिक का डाटा पूरी तरीके से सुरक्षित है? क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट को बनाना बहुत आसान होता है। एक सिलिकॉन जेल होती है, सिलिकॉन जेल को आप क्या करिए, उंगली पर लगाइए और 5 से 10 मिनट के बाद उसको बहुत आसानी से आप रिमूव करिए तो एक लेयर बनकर आ जाती है और उस लेयर को आप किसी भी उंगली पर लगाइए और लगाने के बाद आजकल बैंकों में क्या सिस्टम उन्होंने कर दिया है कि आप अपना थंब लगाइए और पैसा आपके अकाउंट से जो है वो निकाल दिया जाता है। वो जो पहले की प्रक्रिया थी, पासबुक दीजिए दीजिए, ये सारी प्रक्रिया उन्होंने समाप्त कर दिया है। ठीक, तो अब आप बताइए, किसी भी व्यक्ति का यदि मैं सिलिकॉन जेल से फिंगरप्रिंट लेकर यदि जाऊं और मेरी सेटिंग हो उससे, ठीक, तो भैया वो तो बच जाएगा, वो कहेगा भैया आपके फिंगरप्रिंट से निकाले गए हैं, मैंने तो नहीं निकाला, कोई आया आपका फिंगरप्रिंट मैच किया, मैंने पैसा निकाल दिया, मैं किसी को जानता तो हूं नहीं कि कौन है आप कौन नहीं है, व्यक्तिगत तो मैं पहचानता नहीं हूं, तो इससे तो क्या होगा, उस व्यक्ति का नुकसान होगा और उसके नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी कौन लेगा, ना तो भारत सरकार उठाती है ना ही वह बैंक उठाता है। क्यों? क्योंकि बैंक कहता है कि फ्रॉड के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो उसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। एक चीज और आपको बता दूं, आप बैंक में चाहे जितना रुपया रखिए, बैंक कितने रुपए तक आपकी जवाबदेही लेता है, केवल 5 लाख रुपए तक। 5 लाख रुपए के ऊपर आप चाहे 50 करोड़ रुपए बैंक में रख दीजिए, बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए आपको बता रहा हूं कि केएस पुट्टा स्वामी ने आधार कार्ड की जो वैधता थी, आधार कार्ड का जो कंपल्सन था, उस कंपल्सन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में एक पिटीशन फाइल की और उसमें उन्होंने इस बात का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड की जो आप बाध्यता कर रहे हैं और जो ये डेटा नागरिकों के हैं वह सुरक्षित नहीं है, इससे उनके एकांतता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अर्थात एकांतता मींस राइट टू प्राइवेसी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद यदि 21 की बात करें दोस्तों तो 21 कहता है हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये दोनों शब्द को जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको व्याख्या किया, इसकी व्याख्या जब किया तो उन्होंने ये कह दिया कि दैहिक स्वतंत्रता में राइट टू प्राइवेसी यानी एकांतता का जो अधिकार होता है दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार कैसा अधिकार होता है, एकांतता का अधिकार उन्होंने कहा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार मान लिया गया, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार मान लिया गया है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि यह केस किससे संबंधित है, तो यह केस संबंधित है दोस्तों आधार कार्ड और एकांतता के अधिकार से। ठीक, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने, अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में एकांतता के अधिकार को कैसा अधिकार मान लिया है, अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार माना है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अभी हालांकि किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा नहीं गया है, परंतु आने वाले समय में हो सकता है खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती परीक्षा आप देने जा रहे हैं उस परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
तीन चार चीजें इसमें आ रही हैं। पहले प्रश्न तो ये बन सकता है कि आधार कार्ड से जुड़ा हुआ केस कौन सा है, तो जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी का केस आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। आधार कार्ड और एकांतता के अधिकार दोनों पर है ये, आधार कार्ड से ही उन्होंने एकांतता के अधिकार को निकाला है। उन्होंने कहा कि जब किसी नागरिक के द्वारा दिए गए जो डाटा है, यदि उस डाटा को आप संरक्षित नहीं कर सकते, उनके रिकॉर्ड को आप सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, तो वह रिकॉर्ड कैसा हो जाता है दोस्तों, उससे हर व्यक्ति के एकांतता के अधिकार का उल्लंघन होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था दोस्तों, उस केस का नाम था खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। खड़क नाम था, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। आपने सुना होगा एक गाना था, खड़क सिंह से खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, है ना। तो खड़क सिंह क्या थे, एक डाकू है खड़क सिंह, ये जो है इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया पुलिस के सामने, और जब आत्मसमर्पण किया इन्होंने तो इनको जेल हो जाती है, और अच्छे आचरण के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है इन्हें बरी कर देता है सरकार के द्वारा। तो जब अच्छे आचरण के आधार पर इन्हें छोड़ा जाता है तो न्यायालय उस समय एक प्रतिबंध इनके ऊपर लगाता है। क्या प्रतिबंध लगाता है कि ठीक है आपको छोड़ा तो जा रहा है, परंतु आप पुलिस सर्विलांस में रहेंगे, पुलिस सुपरविजन, माफ कीजिएगा सर्विलांस नहीं है सुपरविजन, यानी सतत जो है वह पुलिस के सुपरविजन में आप परमानेंट रहेंगे। अर्थात पुलिस सुपरविजन का मतलब आप जिले से बाहर जाना है तो आपको पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी, किसी वैवाहिक समारोह में जा रहे हैं, किसी शादी समारोह में, कहीं पर भी आप सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं तो आपको पहले पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी, तभी आप बाहर जा सकते हैं। यह अर्थ होता है पुलिस सुपरविजन का। तो पुलिस सुपरविजन में पुलिस क्या करती थी, खड़क सिंह रात को अपने घर पे सो रहे हैं तो जब पुलिस गश्त पे निकलती थी रात को 2 बजे, खड़क सिंह के घर पे पहुंचे और दरवाजा खटखटाए, बोले खड़क सिंह अंदर हो, बोले हाँ सर है, पुलिस चली जाए। यह पुलिस की रूटीन प्रोसेस हो गई। खड़क सिंह तंग आ गया, बोले साहब ये कौन सा तरीका है पुलिस सुपरविजन का। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल कर दी, उच्च न्यायालय ने पिटीशन दाखिल की और उसके बाद अपील में वह मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस सुपरविजन का यह कतई अर्थ नहीं है कि रात को 2 बजे किसी भी नागरिक को रात को जगाकर यह पूछना कि आप घर के अंदर है या नहीं है। इट इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो एकांतता का अधिकार आता है उसका यह उल्लंघन है। लेकिन एकांतता के अधिकार को अंतिम रूप से पुष्ट नहीं किया गया था इस मामले में, खड़क सिंह के मामले में। अंतिम रूप से यदि पुष्टि की बात हम करते हैं दोस्तों, तो अंतिम रूप से पुष्टि किस मामले में की गई है, तो जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एकांतता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या मान लिया है, एक मौलिक अधिकार मान लिया है। क्लियर है यहां पर कि कौन सा केस है, या जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी का केस। नेक्स्ट आते हैं हम 9वें नंबर पर प्रश्न के, किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। ठीक, तो तमाम प्रकार की देखिए आरक्षण के संबंध में नीतियां हैं सरकार की। ठीक, तो आरक्षण के संबंध में यदि हम बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज आई थी वह आया था मंडल आयोग। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मंडल आयोग ये किस नाम से जाना जाता है, केस के नाम से, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड कर दिया था इंदिरा साहनी के मामले में कि आरक्षण की सीमा किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं होगी
होगी। क्लियर? अर्थात रिजर्वेशन आपको देना है, आप 50% में रिजर्वेशन देंगे। ठीक, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग और जो भी कैटेगरियां आप बनाते हैं, वो उनकी आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, लेकिन यह बात आ रही है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, यह जातिगत व्यवस्था ना होते हुए इसे आर्थिक आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। आर्थिक आधार पर, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, उस व्यक्ति को आरक्षण देना चाहिए। इसी तारतम्यता में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में नए खंड जोड़े गए। अनुच्छेद 15 में नया खंड जोड़ा गया 6 और 16 में नया खंड जोड़ा गया 6, जिसके द्वारा इन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को अब सरकार, जो सरकारी नौकरियां हैं, उनमें कितनी आरक्षण की व्यवस्था करेगा। तो आरक्षण की व्यवस्था की गई दोस्तों 10%। ठीक, यहां पर भी 16 अनुच्छेद क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात अनुच्छेद 16 करता है और 16(6) में संशोधन किया गया और 16(6) नया खंड जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 103वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और क्या प्रावधान किया गया, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो वर्ग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को 10% के आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई। तो यहां देखिए 3-4 तरीके से प्रश्न बन सकता है। एक तो प्रश्न आपका सीधा सीधा यहां पर दिख रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, तो 103वां द्वारा। अब 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नया खंड जोड़ा गया, अनुच्छेद 15(6) और 16(6)। ठीक है, उसके अलावा पूछा जा सकता है आपका मंडल आयोग, मंडल आयोग है इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ, जिसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि आरक्षण की सीमा किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं हो सकती है। क्लियर है यहां पर 103वां, तो इसका सही आंसर क्या है, 9 का सी, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न यहां पर आपके सामने आ रहे हैं, वह प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूं कि लेटेस्ट संशोधन, लेटेस्ट जजमेंट और लेटेस्ट जो भी अमेंडमेंट से हैं जुड़े हुए, उनको जो अभी किसी भी किताब में आपके नहीं दिए गए हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आप देखते चलिए और लिखते चलिएगा। ठीक है, याद करते चलिएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 पर। देखिए प्रश्न संख्या 10 आपके सामने आ रही है, जिसमें दिया गया है कि वर्तमान समय में, यानी आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। अभी लेटेस्ट का यह अमेंडमेंट है, ठीक है, जिसके द्वारा जजेस की संख्या में वृद्धि की गई है माननीय संसद द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, कि किस संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा नहीं, किसके द्वारा, मीन्स किससे कैसी संख्या कितनी निर्धारित की गई है। ठीक है, तो यहां पर आज के समय की यदि बात करें दोस्तों, तो 1+33 यानी भारत का एक मुख्य न्यायाधीश, भारत के एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। यदि बात करें कि जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो उस समय उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या कितनी थी, 1+7 थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। पहले यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें कि पहले सीजेआई कौन थे, तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया,
जस्टिस हीरालाल जे कानिया जी जो है वह भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और संख्या उस समय कितनी थी 1+7। बाद में इसे समय समय पर आवश्यकता अनुसार बढ़ाया गया और आज के समय में यदि इस समय वर्तमान की परिस्थिति की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में अनुच्छेद 124 के अंतर्गत जजों की संख्या कितनी है 1+33। और यदि बात करें कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के, तो वह है जस्टिस एस ए बोबड़े। ठीक, जस्टिस एस ए बोबड़े साहब जो है वह इस समय प्रेजेंट भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, यदि यहां पर एक चीज और देख लीजिए कि यदि महिलाओं की बात करें कि कुल कितनी महिला न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय में, ठीक है, तो इस समय 3 महिला न्यायाधीश हैं। ठीक, उच्चतम न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश हैं इस समय कार्यरत, 3 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। तो क्लियर है, यहां पर कितनी है संख्या इस समय जजों की निर्धारित, 33 है, 1+33 की गई है किसके द्वारा, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों की गई है। पहले चीफ जस्टिस की बात कर लें हीरालाल जे कानिया और अभी वर्तमान के कौन है, जस्टिस एस ए बोबड़े, शरद आनंद बोबड़े। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य यहां पर दिए गए हैं। तो आइए पहले बताइए आपकी मौलिक कर्तव्यों के संबंध में भारतीय संविधान में कहां पर प्रावधान किया गया है। तो यदि मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में दिया गया है, जिसके संबंध में अनुच्छेद 51A दिया गया है। और मौलिक कर्तव्य भारत के मौलिक संविधान में नहीं थे, जो भारत का मूल संविधान बनाया गया था उस मूल संविधान में इन मौलिक कर्तव्यों की कहीं पर भी जिक्र नहीं था, मूल संविधान में नहीं थे ये, अपितु इन्हें कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद भारतीय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, तो एक समिति बनी थी दोस्तों, उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 के रूप में एक नया अध्याय जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। और जब यहां मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10। ठीक, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वां संविधान संशोधन किया जाता है, 86वां संविधान संशोधन 2002 यह किया जाता है और इसके द्वारा 21 का जोड़ा जाता है, जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, अनुच्छेद 45 अमेंड किया जाता है और 51 का में 11वीं कर्तव्य जोड़ा जाता है, जिसके द्वारा यह कर्तव्य हर पेरेंट्स पर अधिरोपित किया जाता है, हर गार्जियन पर यह कर्तव्य डाला जाता है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य, तो उन मौलिक कर्तव्यों में से यहां पूछा जा रहा है कि ये ऑप्शन में आपके कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका सार्वजनिक चुनाव में मतदान, यानी राइट टू वोट करना, जो भी मतदान की प्रक्रिया है, वोटिंग की प्रक्रिया है, राइट टू वोट करना, आप अपने मताधिकार का प्रयोग करना, वैज्ञानिक वृत्ति का विकास करना, मींस जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करना, तीसरा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है जैसे ट्रेल है, रेल है, बसें हैं, या जो सार्वजनिक जो भी संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा, चौथा है संविधान को मानना तथा इनके आदर्शों का सम्मान करना। ठीक है, तो यहां पर ये 3 तो मौलिक कर्तव्यों में दिए गए हैं,
ठीक। लेकिन सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना यह जो है वह मौलिक कर्तव्यों में नहीं है। अपितु यदि मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन की बात की जाए दोस्तों, तो मतदान को भी मौलिक कर्तव्य बनाना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति मतदान में भाग नहीं लेता है तो दे आर शुड बी अ सैंक्शन बिहाइंड दैट, मीन्स उसके पीछे दंड का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। ठीक है, कि मौलिक कर्तव्यों का यदि उल्लंघन होता, माफ कीजिएगा, मौलिक कर्तव्यों का यदि कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है तो उसके पीछे भी क्या है, उसके पीछे दंड के प्रावधान होने चाहिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 12, यह आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था किस योजना में की गई थी, किस योजना या किस अधिनियम के द्वारा की गई थी यह व्यवस्था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए, केंद्र और राज्य के मध्य क्या है, डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति के पृथककरण का सिद्धांत, शक्ति के पृथककरण का सिद्धांत। क्या होता है शक्ति के पृथककरण का सिद्धांत, किसने दिया था, ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। किसका क्या नाम था, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने यह कहा था कि यदि सरकार की अंग जो होते हैं उन अंगों के मध्य यदि शक्तियों का बंटवारा रहेगा, शक्तियों का डिवीजन रहेगा, तो किसी भी प्रकार से क्लैश की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, मींस टकराव की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। तो यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, शक्ति के पृथककरण के सिद्धांत को अपना लिया भारत के संविधान ने। और इसका जिक्र आपको कहां देखने को मिलता है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद नंबर 50 में। अनुच्छेद 50 में आप देखिए, वहां लिखा है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण मींस ना तो कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में इंटरफियर करेगी, ना न्यायपालिका कार्यपालिका के। ठीक, तो यहां क्या है, डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर करना सही नहीं है, अपितु सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथककरण का सिद्धांत, ना कि शक्ति के बंटवारे का सिद्धांत। तो यहां पर शक्ति के पृथककरण का सिद्धांत भारत के संविधान में जो लिया गया है वह किस एक्ट के द्वारा लिया गया, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, या इसे भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जो 1935 का एक्ट है, मैंने आपको बताया था, मैं आपको यहां बता दूं एक चीज कि भारत के संविधान की जो आज का ढांचा है दोस्तों, उस ढांचे में करीब 250 से अधिक अनुच्छेद, मोर देन 250 अधिक अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, भारतीय संविधान का वह सबसे बड़ा सोर्स है। भारतीय संविधान ने अपने बहुत सारे ऐसे प्रावधानों को भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ठीक, तो यहां पर यह जो भारत के संविधान में आज शक्तियों का बंटवारा है उसकी व्यवस्था कहां से ली गई है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा 13वां नंबर, भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। देखिएगा, प्रावधान जो दिए गए हैं पहले उनको पढ़िए चारों। भारत के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म सिविल कोड की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है, 44। ग्रामीण ग्राम पंचायतों का गठन,
अनुच्छेद 40। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, मीन्स जो छोटे छोटे उद्योग हैं उन उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास सरकार करेगी, ये भी प्रावधान है आपका। सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त अवसर एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना, ये अनुच्छेद 47-48 के तहत आपको मिलता है। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया गया है ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन जल्दी आपको परीक्षा में नहीं मिलते हैं दोस्तों किसी पुस्तक में। कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में प्रेरित है? मैं जब आपको पढ़ा रहा था राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो तब उस समय मैंने आपसे ये चर्चा की थी कि भारत का जो संविधान है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, यदि उनका डिवीजन किया जाए, यदि उनका क्लासिफिकेशन किया जाए, तो गांधीवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा और आपका मिलता है सामाजिक विचारधारा, ये तीन विचारधारा से जो है वह प्रेरित राज्य के नीति निदेशक तत्व मिलते हैं। तो यहां पर ये चारों राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत हैं, लेकिन इनमें से कौन से ऐसे हैं जो गांधीवादी सिद्धांत या गांधीवादी विचारधारा से मिलते जुलते हैं? ठीक, तो गांधीवादी विचारधारा से कौन कौन से मिलते जुलते हैं मैंने आपको बताया था। उस समय गांधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायतों का गठन, मीन्स ग्रामीण स्तर पर, हर स्तर पर जो है वह लोगों की पहुंच हो प्रशासन तक, स्वशासन को बल देते थे वह। और उनका कहना था कि यदि आप गांव में, भारत का असली हिंदुस्तान कहां बसता है दोस्तों? भारत का असली जो हिंदुस्तान है वह गांव में बसता है। ठीक, तो यह दो चीज, ठीक है, अनुच्छेद ये दो और तीन, ये आपका किससे मिलता जुलता है दोस्तों? यह मिलता जुलता है गांधीवादी विचारधारा से। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा से, बाकी है ये भी, परंतु ये गांधीवादी विचारधारा से नहीं मिलते जुलते। तो ये दो आपके, यानी ऑप्शन नंबर बी, यह दोनों हमारा क्या है, वह गांधीवादी विचारधारा से मिलता जुलता है। ठीक है, तो यहां पर अनुच्छेद प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर क्या है? दो और तीन, ये आपका बी। क्लियर है यहां पर? आइए अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? देखिए यदि क्षेत्राधिकार की बात हम करें दोस्तों कि कितने प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, क्षेत्राधिकार मैंने आपको बताया था जब पढ़ रहे थे हम लोग सुप्रीम कोर्ट, तो उस समय बताया था कि भारत के संविधान में तीन प्रकार के क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। ठीक है, पहला तो है आपका मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार जिसको आप कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक, मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार अपील करने का, और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री। ठीक, 131, फिर उसके बाद 132, 33, 34 यहां मिलता है, फिर ये 143, ये तीन प्रकार के क्षेत्राधिकार की बात यहां पर भारत के संविधान में आपको मिलता है माननीय उच्चतम न्यायालय की यदि हम बात करते हैं तो। ठीक है, कि कौन कौन से यहां पर रहेंगे। ठीक, तो आइए हम प्रश्नों पर चलते हैं अपने, कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी 131 के तहत जो आपको दिया गया है, ठीक है, 131 में उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, कौन सा इसमें से मामला है? पहला दे रहे हैं ये, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो। ध्यान करिएगा उस समय जब हमने आपको बताया था तो क्या ये ऑप्शन आपको बताया था मैंने, एक तरफ भारत सरकार हो, दूसरी तरफ एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो। ठीक, दूसरा, संसद के किसी सदन अथवा राज्य की विधायिका से चुनाव से संबंधित कोई विवाद। चुनाव से संबंधित विवाद जाते जरूर है सुप्रीम कोर्ट में, अपितु यह क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मैटर नहीं है। नो डाउट कि यदि चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका क्षेत्राधिकार होता है न्यायालय को, अपितु मूल क्षेत्राधिकार में नहीं होता है दोस्तों। ठीक, तीसरा, भारत सरकार अथवा
किसी संघीय क्षेत्र के बीच कोई विवाद, संघीय क्षेत्र मीन जिसे आप संघ शासित कहते हैं, संघ शासित, ठीक ठीक। तो भैया संघ शासित के साथ विवाद होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वह भारत सरकार के अधीन ही माने जाते हैं, ठीक। चौथा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, किसी भी मामले में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच यदि कोई विवाद हो जाता है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, कर्नाटक तमिलनाडु के बीच जल के बंटवारे को लेकर, कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद हो जाता है, और यहां पर दो या दो से अधिक राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच जल के विवाद को, जल के बंटवारे को लेकर कोई विवाद हो जाए, वह उच्चतम न्यायालय के क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए यहां पर एक और चार, ऑप्शन नंबर एक और चार, ये सी आपका सही है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो वो नंबर एक और नंबर चार। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न संख्या 15, लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। देखिए कोई भी कानून कैसे बनता है, कोई भी कानून बनता है तो उसके संबंध में क्या होता है, पहले विधेयक लाया जाता है, ठीक। अब विधेयक पहले कहां आएगा, पहले किसी भी सदन में, मान के चलिए उदाहरण के तौर पर लोकसभा में आया, लोकसभा से जाएगा कहां पर, राज्यसभा, ठीक है। अब यहां पर लोकसभा से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया और राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा क्या करती है, राज्यसभा उसको होल्ड कर लेती है, रोक लेती है, ठीक। अब रोक लिया तो रोकने के दौरान में क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है दोनों सदनों के बीच। वो कहते हैं कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, संशोधन के साथ पारित होना चाहिए, वो कहते कोई संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है इस अधिनियम में, ठीक। तो संशोधन के साथ जब पारित होता है और राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति महोदय अपनी सहमति दे देते हैं, तो वह विधेयक क्या होता है दोस्तों, कानून बन जाता है, वह विधेयक क्या होता है, कानून का रूप धारण कर लेता है, और जब कानून का रूप धारण कर लेता है तो उसे कानून बना दिया जाता है। अब यहां कह रहे हैं कि संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, किस किस मामलों में, कोई साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान, क्या साधारण विधेयक में ऐसा है, दूसरा वित्त विधेयक के पारित होने के दौरान, अर्थात जब वित्त विधेयक पारित होता है दोनों सदनों से, तो क्या वित्त विधेयक के पारित होने के दौरान, ठीक है, यहां पर कोई विवाद किया जा सकता है, संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के दौरान। तो देखिए दोस्तों, गतिरोध तो उत्पन्न ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि यदि वित्त विधेयक है तो इसके संबंध में राज्यसभा के पास क्या है, शक्तियां लोकसभा की तुलना में कम होती हैं, ठीक। और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में भी यहां पर गतिरोध नहीं उत्पन्न कर सकती है, हो सकता है, ठीक। केवल यदि कोई साधारण विधेयक पारित किया जा रहा है उसके दौरान यदि कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, रिकॉल करिए, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है कि यदि दोनों सदनों के मध्य किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा कहां किया जाता है दोस्तों, उस विवाद का निपटारा संयुक्त बैठक के द्वारा किया जाता है। और संयुक्त बैठक का इस्तेमाल पहली बार कब किया गया था, 1961 में किया गया था, जब दहेज प्रतिषेध अधिनियम लाया जा रहा था, उस समय यह जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। तो यह प्रश्न जो है देख लीजिएगा आप कि कब लाया गया था, 1961 में पहली बार, और संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां है, 108 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, एक, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी, दल बदल विरोधी विषयक जो है वह उपबंध है, कौन कौन सी अनुसूची में दिया गया है। तो यहां पर देखिए फैक्चुअल चीज है, तो अनुसूची नंबर 10,
ठीक है। दसवीं अनुसूची में क्या दिया गया है, दल बदल के आधार पर। दूसरी अनुसूची में क्या है आपका, संविधान में जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति हैं उनके वेतन एवं भत्ते होते हैं, भत्ते, ठीक है। पांचवी अनुसूची है असम मेघालय आदि जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन, और आठवीं अनुसूची में आपकी भाषा है, ठीक है। तो ये और दसवीं अनुसूची में क्या दिया गया है, दल बदल के आधार पर सदस्यों की निर्योग्यता के संबंध में प्रावधान किया गया है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के अंतर्गत 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। किस संविधान संशोधन को, 99वें संविधान संशोधन को। केस का नाम है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, जो किससे जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसके द्वारा संविधान में तीन नए अनुच्छेद जोड़े गए, 124A, 124B और 124C, ठीक है। तीन नए अनुच्छेद जोड़े गए और इसका उद्देश्य यह था कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के संबंध में जो कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम व्यवस्था है, उस व्यवस्था की जगह पर एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जाएगा, जिसमें नेताओं की भूमिका भी रहेगी। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में इस संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यदि जो संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो दी गई है, वह संविधान का आधारभूत ढांचा है, और यदि इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप या राजनैतिक दबाव डाला जाएगा, बढ़ाया जाएगा, तो संविधान का जो आधारभूत ढांचा है वह नष्ट हो जाएगा। अतः ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है भारत के संविधान में जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। और इसी आधार पर उन्होंने संविधान के 99वें संविधान संशोधन को, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से जुड़ा हुआ था, उस संविधान संशोधन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्लियर है दोस्तों, यहां पर किस मामले में किया था, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको आप लिख लीजिएगा, या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, और किससे जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। कौन से तीन अनुच्छेद जुड़े थे, 124A, B और C। क्लियर है यहां पर, बहुत ही साफ और सुथरे तरीके से यह श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला में जो भी प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, यह आप मान के चलिएगा कि आगामी आने वाली जो लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षाएं हैं, उनमें से इस प्रश्न श्रृंखला से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पर यह रहा, निम्न शब्दों पर विचार करें, अर्थात समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। सार्वभौमिक का अर्थ होता है बिना किसी हस्तक्षेप के, या इसे कहते हैं प्रभुत्व संपन्न, एक शब्द कह लीजिए, प्रभुत्व संपन्न, ठीक, सॉवरेन जिसे कहते हैं। अब इन्हें विचारानुसार क्रम में लगाइए, सही शब्द सही क्या है। सबसे पहले यदि भारत के संविधान की आप चर्चा करें तो संविधान की जो प्रस्तावना है वह क्या है, हम भारत के लोग,
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आ रहा है यहां पर? प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक, जिसको आप गणराज्य का गणतंत्र कहते हैं, के रूप में स्थापित करेंगे। तो यहां पर जो शब्दों का क्रम है दोस्तों, वह शब्दों का क्रम आप देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि कैसे होगा इनके शब्दों का क्रम। तो यहां पर यदि हम शब्दों का क्रम देखते हैं तो देखिए इन शब्दों का क्रम क्या आ रहा है, ए 3, 1, 4 एवं 2। सबसे पहले आएगा धर्म आपका ये सार्वभौमिक, ठीक है, फिर आता है समाजवाद, ठीक, फिर आता है आपका धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, ठीक है, ये इसका सही क्रम है। ठीक है, तो सबसे सही आंसर इसका क्या है दोस्तों, ये है। ठीक, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न, भारतीय संविधान में दिया गया आमुख, आमुख मीन्स जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को हम आमुख भी कहते हैं, ठीक है, प्रस्तावना क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है प्रस्तावना की, ठीक है, इसको आप प्रस्तावना भी कह सकते हैं। प्रस्तावना जो प्रियम्बल है उसका, उसकी उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है, ठीक है, तो क्या यह न्यायालय में लागू नहीं होता है? बिल्कुल सही बात है, यह न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो ये क्या है, प्रस्तावना को क्या न्यायालय द्वारा फोर्स कराया जा सकता है? नहीं, न्यायालय द्वारा इसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, महत्वपूर्ण है और इसकी अपनी उपयोगिता है। क्यों उपयोगिता है? क्योंकि केशवानंद भारती के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान निर्माताओं के मन को जानने की कुंजी है, कि जिस समय हमारे संविधान के निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे उस समय उनके मन मस्तिष्क में क्या चीजें चल रही थी, कौन सी चीजें परिलक्षित हो रही थी, एक आदर्श देश, एक आदर्श समाज की स्थापना का जो प्रतिबिंब परिलक्षित होता है, इसलिए यह क्या है, उपयोग है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, मीन्स किस कारण से आप शासन करेंगे, ठीक, उसके कारणों को लिखित करता है, तथा संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में जहां भी कोई पेचीदगी होती है, संविधान का अर्थ नहीं समझ में आता है, वहां पर संविधान की प्रस्तावना के द्वारा संविधान के अर्थों को समझा जाता है। ठीक है, तो ये सभी इसमें क्या है, सभी आंसर सही है, इसकी सभी चारों ऑप्शन जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहां मिलता है? तो इसकी इसका उल्लेख कहां मिलता है दोस्तों, इसका उल्लेख मिलता है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, जहां पर अनुच्छेद 51 में यह लिखा गया है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 में दिया गया है कि राज्य क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद, सॉरी सेक्शन 21, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति, मीन्स जो संसद है क्या उसे ही शक्ति प्राप्त है, या भारत का राष्ट्रपति भी संख्या बढ़ा सकता है, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, या विधि आयोग की राय से? तो यहां पर दोस्तों ये समझ लीजिए कि संसद ही वह शक्ति है, संसद ही वह संस्था है जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती है। और अभी पहले के प्रश्न में हमने आपको बताया कि कितनी संख्या है, तो 34 है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आइए 22, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, यानी चाय
तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का एक प्रश्न मैंने आपको और बताया था, ठीक है, उसमें था आपको आंसर 1833 का। 1833 क्यों है? क्योंकि जो 1813 का चार्टर एक्ट था दोस्तों, इस 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, एक अपवाद रखा गया था। अपवाद क्या था? उन्होंने कहा था चीन और चाय का जो व्यापारी के अधिकार है ये बना रहेगा, बाकी व्यापारी के अधिकार समाप्त। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और इसे एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बदल दिया गया था, प्रशासनिक निकाय, ठीक। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर लिया, बिल्कुल सही है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, जी नहीं, ठीक। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दो चीजें हुई थी, नंबर एक और नंबर दो, जिसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर देखिए 22 का क्या है, नंबर एक, ये इसका जो है वह सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या है, ए। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 आपकी स्क्रीन पर, जिसका सूची वन का मिलान सूची दो से करना है और कूटों का उपयोग करते हुए आपको आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक तरफ आपको दिख रहा है दोस्तों रिट, और उन रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जब अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग रिट को पढ़ रहे थे तो रिट के संबंध में हम लोगों ने यह देखा था कि रिट कितने प्रकार की होती है, तो कुल रिट हम लोगों ने 5 प्रकार की पढ़ी थी और उन रिटों के शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं उनका उन पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आइए उसी क्रम में यहां पर देखते हैं कि इन रिट्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहां पर रिट दिया है परमादेश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ मैंडमस। मैंडमस का अर्थ यह होता है कि जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करने में उपेक्षा बरतता है, किसी भी तरीके से वह लापरवाही बरतता है, तब ऐसे को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों हमारा आदेश है, या इंग्लिश में इधर कहते हैं वी कमांड, वी कमांड, ठीक है, हम आदेश देते हैं कि ऐसा करिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको कहते हैं इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का अर्थ होता है दोस्तों जब किसी भी व्यक्ति को इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया जाता है या इलीगल तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब ऐसी गिरफ्तारी की दशा में उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तरफ से कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष यह याचिका प्रस्तुत कर सकता है। कौन सी याचिका? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना, अर्थात जिस व्यक्ति को न्यायालय, जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सशरीर उपस्थित करना पड़ता है, न्यायालय के समक्ष सशरीर उपस्थित करना पड़ता है, ठीक। तो हैबियस कॉर्पस का क्या अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करना। अधिकार परीक्षा, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वा वारंटो, क्वा वारंटो, अर्थात आप यदि किसी लोक पद को धारण किए हुए हैं, ठीक है, किसी भी लोक पद पर है, आप आईएएस है, आईपीएस है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो क्या उस पद को धारण करने की जो आवश्यक योग्यता है, क्या आप उस योग्यता को धारण करते हैं या नहीं, है ना। आप परीक्षा देते हैं, बीओ की परीक्षा दे रहे हैं, उसमें डिग्री मांगी गई है, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में बीएड होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, तो यदि कोई व्यक्ति उस तरह की डिग्री नहीं धारित किया है, तो बिना डिग्री धारण किए यदि कोई व्यक्ति उस पद को होल्ड किया है, धारण किया है, तो उस व्यक्ति से अधिकार परीक्षा द्वारा यह पूछा जा सकता है कि आप किस आज्ञा पत्र या किस अधिकार से, इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर
अथॉरिटी, आप किस अधिकार से इसे धारण किए हैं, आप किस अधिकार से इस पद को धारण किए हैं, ठीक है, व्हाट इज योर अथॉरिटी। उत्प्रेषण लेख, उत्प्रेषण लेख का अर्थ होता है प्रमाणित करना, ठीक है, प्रमाणित करना, किसी भी आदेश को सर्टिफाइड करना, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन में जाइए अब, तो देखिए ए का कौन सा मिल रहा है, दो, ए का दो, देखिए कहां पर है, दो ऑप्शन आ रहे हैं, ए का दो है ना। अब आते हैं बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी का चार, बी का देखिए चार कहां पर है, बी का चार यहां पर है, ठीक, ए का दो यहां पर भी था, बी का चार यहां पर भी आ रहा है। अब आते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, अधिकार परीक्षा, सी का एक, सी का एक किसमें है दोस्तों, ये है। अब जब सी का एक इसमें है, इसमें नहीं है, तो डी का भी आपका क्या हो जाएगा, तीन, ठीक। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, ठीक है। तो अधिकार परीक्षा रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इश्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है रिट जारी, अनुच्छेद 32 के तहत। और यदि हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, 226 के तहत। क्लियर है यहां पर आपको, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 भी कह रहा है कूट मिलान करना है, ठीक है, अर्थात सूची वन का जो उपबंध दिए गए हैं वह किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। सूची वन में आपको प्रावधान दिए गए हैं और सूची दो में उनसे जुड़े हुए उपबंध दिए गए हैं, तो आपको मिलान करना है कि कौन सा उपबंध सही है, ठीक है दोस्तों। यहां देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता है अनुच्छेद 32 के तहत। देखिए ए का चार किस में मिल रहा है आपका, ए का चार यहां पर भी है, ए का चार यहां पर भी है, ठीक है। नेक्स्ट, सरकार के विरुद्ध दावा, यानी गवर्नमेंट के विरुद्ध यदि आप कोई मुकदमा लगाते हैं तो उसके संबंध में कहां है प्रावधान, अनुच्छेद 300 में। बी का तीन, बी का तीन देखिए यहां पर भी मिल रहा है आपको, यहां पर भी। सी का देखिए, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार कहां पर है दोस्तों, सी का दो, सी का दो अब ये यहां पर मिल रहा है। तो अब यहां पर ऐसी कंडीशन में आप देखिए, एक बच रहा है, न्यायिक समीक्षा के अधिकार का स्रोत कहां मिलता है, वो मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 13 के तहत, जिसे अनुच्छेद 13 में बताया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत क्या कहलाता है, न्याय विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करना कि क्या वह कानून संविधान के अंतर्गत आते हैं या नहीं। यह हमारा क्या है, संविधान का ग्रैंड नॉर्म है, यह संविधान का हमारा ढांचा है, और कोई भी कानून जो विधायिका द्वारा बनाया जाएगा वो इस दायरे के बाहर नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह कानून क्या होता है, असंवैधानिक कानून हो जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है दोस्तों वह है सी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है। जब क्लास में भी हमने आपको बताया था दोस्तों, तो उस समय भी हमने यह चीज आपको बताई थी कि बजट शब्द भारत के संविधान में कहीं पर भी उल्लिखित नहीं है, अपितु बजट की जगह पर अनुच्छेद 112 में दिया गया है वित्तीय वार्षिक विवरण, वित्तीय वार्षिक विवरण है ना, मींस एनुअल जो आपका बजट खर्च होता है, मींस इनकम क्या हो रही है आपकी है ना, और उस इनकम के बाद आपकी एक्सपेंडिचर कितनी है, मींस आपका खर्च कितना है। तो इनकम यानी आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है, उस आय और व्यय के लेखा जोखा के संबंध में अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 265 क्या कहती है, अनुच्छेद 265 कहता है कि बिना किसी विधि के प्राधिकार के कर नहीं लगाया जाएगा, बिना विधि के
प्राधिकार के कर का ना लगाया जाना, ना लगाया जाना। अर्थात जब तक कानून नहीं कह दे किसी टैक्स को लगाने के लिए, तब तक आप किसी भी प्रकार के टैक्स को नहीं इंपोज कर सकते हैं। ठीक, बिना किसी लॉ के अथॉरिटी के आप कोई टैक्स इंपोज नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? भारत एवं राज्य की संचित निधि, भारत एवं राज्य की संचित निधियां, ठीक है, संचित निधि। ठीक, तो यहां पर आप बजट यदि शब्द की व्याख्या देखें, बजट शब्द को यदि हम पकड़ते हैं तो बजट शब्द को भारत के संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, ना ही बजट के संबंध में कोई प्रावधान है। बजट की तरह मिलता जुलता यदि प्रावधान कहीं पर है तो वह है अनुच्छेद 112 में, जो कहा जाता है वित्तीय वार्षिक विवरण। इसे अनुच्छेदों के तहत, इन अनुच्छेदों के तहत बजट कहीं पर भी नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी होगा। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 26 की तरफ। कूट का मिलान करना है, प्रश्न संख्या 26 की भी बात करते हैं हम, तो यहां पर यह आपको कूट का मिलान करना है। अर्थात सूची एक यानी शब्द दिए गए हैं और सूची दो में उन कहां पर परिभाषित किया गया है, उस शब्द को आपको यहां पर सर्च आउट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं भारत की संचित निधि कहां पर परिभाषित है। तो भारत की यदि संचित निधि की बात करें तो अनुच्छेद 266, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 और भारत की आकस्मिक निधि। तो देखिए, अगर आपको यहां पर इस तरह के ऑप्शन दे दिए जाएं, ठीक, हालांकि मैं भी बता दे रहा हूं आपको कि कौन सा है, इसमें 267 है। देखिए, भारत की संचित निधि एका तीन, देखिए कहीं पर आ रहा है एका तीन, देखिए किसी में नहीं है एका तीन। ठीक है, तो आपको दूसरा ऑप्शन मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है, खत्म है, दूसरा ऑप्शन आपको कोई भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, आप आंसर आपका क्लियर है। ठीक, अब यहां पर देखिए भारत की आकस्मिक निधि यानी डी का क्या हो रहा है? दो। ठीक है, यहां पर इस तरह के प्रश्नों को करने से हम एक साथ चार से पांच अनुच्छेदों को कवर कर रहे हैं। ठीक, 265 यहां पर बच रहा, मैंने आपको बता दिया है 265 क्या है, बिना विधि के प्राधिकार के करों को अधिरोपित नहीं किया जाएगा, टैक्स को इंपोज नहीं किया जाएगा। क्लियर है यहां पर? चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 27, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये दो शब्द जो जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, दो शब्द जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, तो समाजवाद क्या होता है? समाजवाद की यदि संकल्पना आप देखें तो समाजवाद क्या जो संकल्पना है उसका अर्थ यह होता है दोस्तों कि समाजवाद का अर्थ है ना तो कोई छोटा होगा और ना ही कोई बड़ा, अर्थात इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम, जो भी धन का संकेंद्रण है, शिक्षा का संकेंद्रण है, उनको किसी भी तरीके से एक जगह पर नहीं रखा जाएगा, अर्थात उनको अलग अलग हर जगह पर हर व्यक्ति तक पहुंचे, यही समाजवाद है, यही समाजवाद का लक्ष्य है। दूसरा है शब्द इसमें धर्मनिरपेक्ष, या इसी को आपको कई पुस्तकों में मिलता है दोस्तों पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, मींस राज्य किस नीति पर चलेगा? राज्य धर्म सर्वधर्म संभाव की नीति पर चलेगा, सर्व धर्म समभाव, राज्य सर्वधर्म समभाव की नीति पर चलेगा। ठीक है, राज्य के लिए यदि होली पर छुट्टी है, दिवाली पर है, तो बकरीद और
नानक जी की जयंती पर भी वो छुट्टी करते हैं, अर्थात उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को एक समान एक नजरिए से देखेगा। तो ये जो दो शब्द हैं भारत की संविधान में प्रस्तावना में जोड़े गए, ये कब जोड़े गए? ठीक, तो ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन जो था दोस्तों, वह जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन द्वारा बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन भारत के संविधान में किए गए थे। दूसरा चीज इसमें देखिए, भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, यदि इसकी बात करें तो प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है, या क्या प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है? ठीक, तो प्रस्तावना के यदि संशोधन की बात करें दोस्तों, तो प्रस्तावना के संशोधन के संबंध में यह कहा गया है कि पहले आया था केस जो है उसमें यह कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक, संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान के संशोधन की शक्ति दी गई है, उस संविधान के संशोधन की शक्ति के अंतर्गत प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना में। लेकिन इन्होंने एक शर्त यहां रखी कि आधारभूत ढांचा, एक बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि संशोधन तो आप कर सकते हैं संविधान की प्रस्तावना में, लेकिन संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, वह आधारभूत ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न यह आया कि आधारभूत ढांचा हम किसे मानेंगे, किसे हम कहेंगे कि यह आधारभूत ढांचा है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधारभूत ढांचे के संबंध में समय और परिस्थितियों के अनुसार हम बताएंगे कि आधारभूत ढांचा हम किसे मानेंगे। ठीक, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यदि बात करें कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो मात्र एक बार हुआ है। किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है। ठीक है, क्या शब्द जोड़ा गया? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे प्रश्न इस प्रश्न से निकलकर आ रहे हैं। इसका सही आंसर है हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक, आगे अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 28 आपके बोर्ड पर यह रहा कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से ही प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए, विधान जो धन विधेयक होता है दोस्तों, चाहे वह केंद्र की बात हम कर लें, ठीक है, चाहे हम केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, तो केंद्र की दशा में संसद में लाया जाता है। तो संसद के किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। ठीक, लोकसभा में। और यदि राज्य की बात करें तो राज्य विधानमंडल में, विधानसभा में। तो जब विधानसभा या लोकसभा में धन विधेयक को लाया जाता है, तो लोकसभा के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष अनुमति देता है इसकी अनुशंसा से, और विधानसभा की दशा में भी विधानसभा अध्यक्ष की पूर्व अनुशंसा के साथ ही इस विधेयक को, यानी इस जो धन विधेयक होता है, इस विधेयक को केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही, अनुशंसा से ही जो है वह सदन में
पेश किया जाता है, सदन में प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है यहां पर आंसर आपको अध्यक्ष? ठीक, नेक्स्ट आइए, कूट का मिलान करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत, देखिए इस क्वेश्चन के द्वारा आप अपनी चार अनुसूचियों को कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, अनुसूची के विषय में ये अनुसूचियों से प्रश्न जरूर बनता है, है ना। तो कुल कितनी अनुसूची है भारत के संविधान में? 12 अनुसूची है। ठीक है, आइए यहां पर हम देखते हैं कि किस अनुसूची में क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर कूट से मिलान करना है। तो भारत के संविधान की यदि छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची बात करती है दोस्तों, छठी अनुसूची बात करती है यहां पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र हैं इनके प्रशासन के संबंध में। दूसरी अनुसूची, चलिए 12वीं अनुसूची देख लेते हैं हम क्या कहती है। 12वीं अनुसूची कहती है नगर पालिकाओं की शक्तियों और उनके प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व के विषय में छठी अनुसूची बात करती है। तो माफ कीजिएगा, ये 5वीं अनुसूची बताती है, है ना। इसके बाद चल यहां देखते हैं हम अनुसूची के बारे में। तो छठी अनुसूची बताती है आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के संबंध में। दूसरी अनुसूची आपकी बताती है विधानसभाओं के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनके संबंध में। ठीक है, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां, उनके प्राधिकार और उत्तरदायित्व। और 5वीं अनुसूची बताती है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण। तो एक आ दो देखिए कहां पर आ रहा है, एक आ दो यहां पर है और एक आ दो यहां पर है। यदि 12वीं की बात करें हम, सी का 4 है ना, तो सी का 4 आपका यहां आ रहा है, यहां आ नहीं रहा है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा ये बी का जो है 3, देख लीजिए आप बी का 3 है और डी का 1। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर मिलान हो गया। ठीक है, तो अनुसूचियों के संबंध में जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, उन प्रश्नों को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है, क्योंकि अनुसूचियों से भी प्रश्न जो है वह बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन संख्या 30। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश निम्न में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो हमने आपको बताया कि मौलिक कर्तव्य, जब मौलिक संविधान हमारा बना था, मूलभूत संविधान की जो संरचना हुई थी दोस्तों, उस संरचना में मौलिक कर्तव्य हमारे नहीं दिए गए थे। तो मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में, और यह जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 31। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपका दिया गया है विषय, यहां पर यह विषय दिया गया है और इस तरफ उससे जुड़े हुए अनुच्छेद दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। उपाधियों का निषेध, मींस जो उपाधियां हैं उनको समाप्त करने के संबंध में, यह कहां पर है? अनुच्छेद 18 में। यानी जो अनुच्छेद 14 से 18 तक आपका क्या दिया गया है दोस्तों? समता का अधिकार, है ना, समता का अधिकार। तो यह किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मीन्स धार्मिक मामलों में कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता सभी को दी गई है वह अनुच्छेद 26 के तहत। यह आता है हमारा 25 से लेकर 28 तक, जो हमारा डील करता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अल्पसंख्यकों
की को भाषा का संरक्षण, मीन्स यदि कोई अल्पसंख्यक है उनकी कोई अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, तो उस लिपि भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत, है ना। अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ठीक। चौथा दिया है हमारा शिक्षा का अधिकार, यह बाद में जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। यह आता है हमारा स्वतंत्रता के अंतर्गत, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, जिसके संबंध में प्रावधान किया गया है 19 से 22 तक, ठीक है। तो ये चार अनुच्छेद यहां पर देखिए आप दिखा रहा है बल्क में, यहां पर समता का अधिकार 14 से 18 तक, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति 29 30 और 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और इस अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को क्या कर दिया गया है, एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो अब इसका आप सही मिलान कर लीजिए, आपको आंसर निकलकर सामने आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं उपाधियों का अंत, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों को संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। तो एका तीन, देखिए एका तीन कहां पर है, एका तीन यहां पर है और एका तीन यहां पर है, बी का चार, बी का चार केवल यहां पर है। तो अब आपको ऑप्शन लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इससे क्लियर हो गया आपका कि कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर भी मिला देते हैं हम, अल्पसंख्यकों को भाषा का संरक्षण सी का एक और शिक्षा का अधिकार यानी डी का दो, ठीक है, डी का दो। तो बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, डी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन क्या होगा, डी। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 32 पर, प्रश्न संख्या 32 के संबंध में सूची एक का सूची दो के साथ मिलान करना है दोस्तों, ये अनुच्छेद दिए गए हैं और उनसे संबंधित विषयों की सूची दूसरी तरफ है। देखिए अनुच्छेद 40, 41, 44 और 48, ये सारे अनुच्छेद जो आपके दिए गए हैं वह है दोस्तों डीपीएसपी से, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में यहां ये प्रावधान दिए गए। तो आइए सूची वन का दो से मिलान करते हैं। अनुच्छेद 40 कहता है दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक। अनुच्छेद 41 कहता है काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो इसका सही आंसर है हमारा अनुच्छेद एक दो, पूर्ण संख्या 1, 2, 3 और 4, ठीक। तो ये बिल्कुल सही मिले हुए हैं, 40 ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में है, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार या काम पाने का अधिकार है, 44 सिविल प्रक्रिया सिविल कोड की बात कर रहा है और 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन की बात कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ, प्रश्न संख्या 33 आपका ये रहा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह उपबंध कहां पर दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत शासित है। देखिए दोस्तों यहां बात कर रहा है नागरिक के कर्तव्य, ठीक। यदि यही नागरिक शब्द की जगह पर हो जाता राज्य, ठीक, तो यदि राज्य आ जाता तो यह अनुच्छेद चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा, और यदि यहां नागरिक के कर्तव्य, तो कर्तव्यों के संबंध में कौन सा अनुच्छेद डील करता है, अनुच्छेद 51A। ये ध्यान देने वाली बात है, ये बारीकी है यहां पर, ठीक है, ये बारीकी है यहां पर, इसीलिए इस प्रश्न को रखा गया है। नागरिक का कर्तव्य, यदि आपने शब्द को पकड़ लिया तो यह अर्थ जो है आपका बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अनुच्छेद 48 यदि नागरिक की बात करेगा तो आंसर सी होगा, और यदि राज्य की बात करता है तो अनुच्छेद 48 ए होगा, ठीक है। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन यदि हम देखें कौन होगा, तो आंसर सी हमारा होगा, अनुच्छेद 51A, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम प्रश्न संख्या 34 की तरफ,
भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, मींस जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बनता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल बनता है। तो निर्वाचक मंडल के संबंध में उपबंध दोस्तों कहां है, अनुच्छेद 54 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान दीजिएगा, यहां पर शब्द है दोस्तों निर्वाचित, अर्थात जो सदस्य ऐसे होते हैं जो नामित होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। तो नामित सदस्य जो है वह चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित या नामित व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो आइए यहां पर देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही होगा। इसके अनुसार आंसर जो होगा हमारा वो आएगा लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो यहां पर दोस्तों विधान परिषद नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अर्थात विधान परिषद के सदस्य यहां पर भाग नहीं लेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा 1, 2, 3, यानी सी नंबर, ठीक। तो यहां पर क्लियर है आपको कौन सा आंसर होगा, सी होगा हमारा इसका सही आंसर कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन व्यक्ति होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये 3 लोग होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव करिए। बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, यदि आपके कंसेप्ट पर या खरे नहीं उतरे तो इन प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। आपको क्लियर कट कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 52-53, जहां पर यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं निहित होती अपितु वह राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करता है, राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ नियुक्त कर्मचारियों द्वारा करता है, ठीक। तो यहां पर देखिए राष्ट्र संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, क्या यह सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, क्या यह सही है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती। प्रश्न आता है, मैं आपको बताता चलता हूं। यहां पर प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, चुना जाता है या घोषित होता है। यहां देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, प्रधानमंत्री चुना नहीं जाता है, इलेक्शन प्रधानमंत्री का नहीं होता, इलेक्शन होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जो संसद के सदस्य होते हैं, एमपी जो होते हैं, जिन्हें आप एमपी सांसद कहते हैं, ठीक है। तो सांसदों का चुनाव होता है, तो उन्हीं सांसदों में से किसी एक व्यक्ति को क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त किया जाता है। दूसरा, तीसरा देखते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। बिल्कुल सही बात है कि प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मंत्रिपरिषद जो है वह मंत्रिपरिषद का प्रधान सर्वोच्च कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। बिल्कुल सही बात है, यह भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जिस समय किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाए वह व्यक्ति आवश्यक रूप से किसी सदन का सदस्य हो, अपितु यह लिखा गया है कि ऐसे पद पर नियुक्त होने के 6 माह के अंदर, कितने समय के अंदर? 6 माह के अंदर यदि वह किसी सदन का सदस्य नहीं होता है तो ऐसे पद पर उसकी की गई नियुक्ति अपने आप क्या हो जाएगी? स्वतः ही शून्य घोषित हो जाएगी। तो यहां पर इनके संबंध में यदि कूट देखते हैं दोस्तों, तो 2, 3 और 4 यह सही है। ठीक है, 2, 3, 4 यहां पर सही है। तो सही ऑप्शन यहां पर क्या आएगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या है हमारा? सी है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। 36 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। सबसे पहले तो इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इंपीचमेंट, प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। व्हाट डज इट मीन? इंपीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया यह कहलाती है महाभियोग। महाभियोग क्यों लाया जाता है? तो महाभियोग लाने का आधार होता है संविधान का अतिक्रमण। जब भारत का राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर दे या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर दे, तो ऐसे उल्लंघन की दशा में संसद के किसी भी सदन में एक संकल्प लाया जाता है, एक संकल्प लाया जाता है। और इस संकल्प में यह क्या लिखा रहता है? संकल्प के द्वारा यदि यह संकल्प उपस्थित सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से यदि पास हो जाता है और दोनों सदनों से यानी लोकसभा और राज्यसभा से यह पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा, उसे रिमूव कर दिया जाएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया कहां दी गई है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत दी गई है दोस्तों। हालांकि भारत में आज तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ भी नहीं की गई है, अपितु 2 न्यायाधीशों पर प्रारंभ जरूर की गई थी, परंतु उन्होंने जैसे ही महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ हुई उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के कारण वह प्रक्रिया जो है स्वतः कैसी हो जाती है दोस्तों? शून्य हो जाती है। ठीक, स्वतः शून्य हो जाती है। तो यहां महाभियोग की प्रक्रिया की यदि बात करें दोस्तों तो कहां पर दिया गया है? अनुच्छेद 61 में। ठीक है, 356 में क्या है? 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात है। और 76 कहा गया है आपका अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक, क्लियर। आते हैं अगली प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 आपके स्क्रीन पर यह रहा। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। मींस यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चाहे वह राज्यसभा का लड़े, लोकसभा का लड़े, विधानसभा का लड़े, राष्ट्रपति का लड़े, तो हर व्यक्ति को एक जमानत राशि जमा करनी पड़ती है जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। ठीक है, तो वह जमानत राशि किस दशा में जब्त हो जाती है? लोग कहते हैं जमानत जब्त हो जाना, तो जमानत जब्त का क्या अर्थ होता है? जमानत जब्त का अर्थ होता है यहां पर कि एक मिनिमम वो क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि मिनिमम इतने परसेंटेज मत आपको प्राप्त होने चाहिए तभी आप माने जाएंगे योग्य। ठीक, तो यहां पर है कि कुल पड़े वैध मतों का यदि 1/6 भाग नहीं मिलता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, जमानत राशि जब्त
कर ली जाएगी। क्लियर है यहां पर? जमानत राशि कब जब्त की जाती है? जब कुल पड़े वैध मतों का कोई प्रत्याशी 1/6 भाग नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसके द्वारा जो जमानत राशि जब्त की जाती है वह राशि जब्त कर ली जाती है। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 की तरफ। प्रश्न संख्या 38 कह रही है किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्धारण कौन करता है? यदि यह प्रश्न उठ जाए कि कोई संसद सदस्य योग्य है या अयोग्य है, ठीक है, तो उसका निर्धारण कौन करेगा उसकी योग्यता या अयोग्यता का, तो उसका निर्धारण कौन करता है? ठीक, तो उसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है संसद सदस्य की योग्यता अयोग्यता का। ठीक, तो उस निर्धारण को जब राष्ट्रपति करता है तो किसकी राय लेता है? भाई अपने से तो कर नहीं सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के संबंध में कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पास क्या है, नाम मात्र की शक्ति है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति और नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति, दो कार्यपालिकी शक्ति पाई जाती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, तो यहां राष्ट्रपति किसकी राय लेगा? निर्वाचन आयोग की। ठीक है, निर्वाचन आयोग की राय से राष्ट्रपति किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में प्रश्नों का निर्धारण करता है, और जब वह इस बात का निर्धारण कर लेता है कि कोई जो है वह योग्य है कि अयोग्य है, और राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निर्णय योग्यता या अयोग्यता के संबंध में दिया गया निर्णय वह कैसा होता है दोस्तों? अंतिम निर्णय होता है, अर्थात इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील, रिव्यू या रिवीजन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर यदि हम देखें तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ए, 38 का ए, राष्ट्रपति। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 39 नंबर देखिए यहां पर है न्यायिक पुनर्विलोकन के में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं। कौन कौन से अधिकार न्यायालय को दिए गए हैं जब न्यायालय अनुच्छेद 13 के तहत प्रदत्त न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों का इस्तेमाल करता है? तो यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये तो आपने पढ़ा ही है, तो बिल्कुल ये सही है कि यदि कोई कानून, मैंने आपको बताया कि संविधान क्या है, ये ग्रैंड नॉर्म है संविधान हमारा, और यदि कोई कानून विधायिका द्वारा इस तरह से बनाया जाता है कि वह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, इस ग्रैंड नॉर्म के बाहर जा रहा है, ये ऐसे बन गया, तो ये जितना हिस्सा इसके बाहर जाता है वह कैसा हो जाता है दोस्तों? अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, असंवैधानिक हो जाता है। दूसरा, निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन करना, नो, निचले न्यायालय का पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है, वह अपील में देख सकती है, निचले न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनना, तो अपील जरूर सुनते हैं लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत नहीं सुनते हैं। ठीक, उसका प्रावधान मैंने आपको बताया है अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। कानूनों का इस दृष्टि से परीक्षण कि क्या उसके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है या नहीं, इस चीज का भी अनुसरण सुप्रीम कोर्ट देखती है, लेकिन यहां पर इस न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत नहीं देखती है। क्लियर है? तो यहां पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका आंसर होगा दोस्तों 39 का, वो रहेगा ए, अर्थात यदि कोई न्यायिक पुनर्विलोकन में किसी भी प्रकार का न्याय करता है तो क्या देखता है, यदि वह बाहर है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 आपकी स्क्रीन पर यह है, भारत में सुधारात्मक याचिका जिसे आप क्यूरेटिव पिटीशन के नाम से जानते हैं, बहुत बार आपने पेपर में पढ़ते हैं, बहुत सारी बार आप पुस्तकों में पढ़ते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई है, सुधारात्मक मींस एक बार फाइनली डिसाइड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक, फाइनली डिसाइड करने के बाद फिर से साफ फिर से देख लो मींस क्या है, सुधार करने की यदि कोई गुंजाइश है या नहीं, क्योर करने की कोई गुंजाइश है नहीं किया नहीं, तो वो क्यूरेटिव पिटीशन यानी सुधारात्मक याचिका या इसे उपचारात्मक याचिका भी कहते हैं,
उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जाती है, तो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। देख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि पूछ लेगा तो 100 में 90 बच्चे ऐसे प्रश्नों को गलत करके आते हैं, क्योंकि यहां से कोई प्रश्न जल्दी बनता नहीं है। और यदि बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कई बार आता है। अभी निर्भया का जो केस चल रहा है, दिल्ली के जो निर्भया रेप कांड का केस चल रहा है, उसमें देखिए जो दोषियों ने इस तरह की याचिकाएं फाइल की हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहां पर डाला है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 आपकी स्क्रीन पर ये रही। न्यायिक सक्रियता, बहुत ही जबरदस्त शब्द है, जुडिशियल एक्टिविज्म, इंग्लिश में जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता क्या कहलाती है? जुडिशियल एक्टिविज्म अर्थात आपको जितना अधिकार दिया गया है, जितना क्षेत्राधिकार आपको दिया गया है, आप उसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम करेंगे, ठीक। लेकिन जब कोई अधिकार, जब कोई अथॉरिटी, जब कोई अधिकारी अपनी क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर काम करता है, उसे ही कहते हैं एक्टिविज्म, ठीक। तो जब न्यायपालिका न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी सीमा को लांघकर आगे जाती है, जैसे अनुच्छेद 50 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण अलग अलग है, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत अपनाया गया भारत के संविधान में। लेकिन उस सेपरेशन ऑफ पावर के बावजूद यहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म आता है। क्यों आता है जुडिशियल एक्टिविज्म? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि यदि कोई ऐसी दशा आती, कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें लोग न्याय पाने में असफल होते हैं, तो उनको न्याय दिलाने के लिए क्या किया जाता है? न्यायिक सक्रियता के तहत आदेश जारी किया जा सकता है। तो प्रश्न है कि भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से? नो। जनहित याचिका से? यस। न्यायिक पुनरावलोकन? नो। न्यायिक स्वतंत्रता? तो यहां पर सबसे अच्छा उदाहरण है जनहित याचिका। तो जनहित याचिका क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे माना जाता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का उद्भव भारत के संविधान में कहां से होता है? आइए इन तमाम चीजों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो PIL का यदि उद्भव हम जानते हैं, जनहित याचिका का यदि उद्भव बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से होता है? तो अनुच्छेद 32 से, ठीक है, अनुच्छेद 32 से इसका उद्भव होता है। और यदि बात करते हैं कि भारत में जनहित याचिका जो शब्द है, उस शब्द की सबसे पहले जो इसका उपयोग किया था, किसने किया था? तो जस्टिस पी, ठीक है, जस्टिस PN भगवती जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। और उन्होंने कहा था कि जब कोई व्यक्ति अपने न्याय को पाने के लिए न्यायालय तक नहीं पहुंच सके, तो वह यदि कोई चिट्ठी, कोई लेटर न्यायालय को लिख दे, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट को, तो ऐसा लिखा गया लेटर को वो किस रूप में ट्रीट करते हैं? PIL के रूप में मानकर जो भी उचित आदेश होता है वह पारित किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर दो प्रश्न आते हैं, जस्टिस PN भगवती इसके जनक है और PIL का उद्भव कहां से होता है? अनुच्छेद 32 से। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये रहा आपका प्रश्न, राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों को, प्रश्न यहां थोड़ा सा गलत हो गया है दोस्तों, क्षमा चाहते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, है ना, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यदि लोक सेवा की बात करें हम, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये 3 स्तर पर मिलती है हमें देखने को। संघ के स्तर पर हमें मिलती है संघ लोक सेवा आयोग, विच इज नोन एज UPSC। राज्य स्तर पर मिलती है दोस्तों स्टेट PSC, चाहे वह UPPSC हो, MPPSC, BPSC। और किसी दशा में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग मिलता है, JPSC, यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो UPSC
और स्टेट पीएससी। लेकिन ये ज्वाइंट पीएससी का अर्थ क्या है? संयुक्त लोक सेवा आयोग का अर्थ है कि जब दो या दो से अधिक राज्य संसद से इस बात का आग्रह करें कि दो राज्यों के लिए संयुक्त रूप से लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाए, तब संसद विधि बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कर सकती है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वह राष्ट्रपति। यानी संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, जबकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, सॉरी राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, जो कि आपके बोर्ड पर दिख रही है आपको। यहां पर आपको दोस्तों कूट का मिलान करना है ना। आइए कूट का मिलान करते हैं हम। सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है। सूची एक में संस्थान दिया गया है, मींस ये संस्थान है, और इन संस्थानों से जुड़े हुए अनुच्छेद कौन से हैं दोस्तों? ठीक है, आइए देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप कहते हैं सीएजी, कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसे सीएजी कहा जाता है। तो सीएजी से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 148 है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन का गठन कहां होता है? अनुच्छेद 280 के तहत। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 1+4, एक अध्यक्ष और चार या चार से अधिक जो है, चार सदस्य, एक अध्यक्ष और चार सदस्यीय आयोग होता है। प्रशासनिक अधिकरण 323A में दिया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो वह अनुच्छेद 315 में दिया गया है। ठीक है, तो आइए इनका मिलान करते हैं। एका तीन देखिए कहां कहां पर है दोस्तों, यहां पर है और यहां पर है। बी का दो यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो अर्थात ऑप्शन हमारा ये वाला सही होगा। अब देखिए सी का चार है और डी का एक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो है वह सूचियों को सुमेलित करते हुए हम देख रहे हैं कि कौन सा होगा, प्रश्न संख्या का ए होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 आपके बोर्ड पर यह रहा। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है, क्या निलंबित करता है वह? मौलिक अधिकार। किन परिस्थितियों में? जब देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है। आपातकाल है ना, आपातकाल, जब देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। तो आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल, जिसके संबंध में प्रावधान है 352 में। दूसरा है राज्य आपातकाल, राज्य आपात, जिसे जाना जाता है राष्ट्रपति शासन के नाम से, राष्ट्रपति शासन, यह राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। और वित्तीय आपात अर्थात या 360। तो तीन प्रकार के आपातकाल की घोषणा पाई जाती है भारत के संविधान में, 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो जब राष्ट्रपति, देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत होती है, तब राष्ट्रपति किन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? तो सभी मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 19 जैसे ही लागू होती है 352, वह स्वतः सस्पेंड हो जाता है। बाकी के मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने के लिए अनुच्छेद 358 के तहत या उसके तहत इन्हें क्या है, एक अध्यादेश जारी करना पड़ता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी दशा में निलंबित नहीं होते हैं दोस्तों। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 44 का आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में थोड़ा सा दिक्कत यहां देखी हो गई है। सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है ना। तो सूची एक में देखिए
अनुच्छेद दिए गए हैं और उन अनुच्छेदों की अंतर वस्तु दी गई है कि उस अनुच्छेद में क्या अंतर वस्तु दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 54 क्या बताता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बताता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 75 बताता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़ा है, और 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और सॉरी राज्यपाल करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ठीक, ये नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 46 पर। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, ये भी आपको मिलान करना है सूची एक का सूची दो के साथ, है ना। तो आइए देखते हैं सूची एक और सूची दो को। ठीक है, सूची एक के साथ देखिए आप, ये भाग संख्या 15 है, भाग संख्या 15, 16, 17 और 18। ठीक, तो भाग संख्या 15 डील करता है दोस्तों निर्वाचन से, 16 कहता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 17 राजभाषा, और भाग 18 हमारा आपात उपबंध से डील करता है। ठीक है, तो इसके आंसर आप मिलाइए क्या होंगे, तो ए का चार देखिए कहां पर है, मात्र एक में है, तो ऑप्शन आपका खट से निकल के आ गया। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूची मिलान करना है, है ना, इसका सूची मिलान करना है। संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद के तहत है? वित्त आयोग, वित्तीय आपात और अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक, आइए मिलान करते हैं इनका हम लोग। संवैधानिक संशोधन यानी संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में दी गई है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संशोधन करने की शक्ति दी गई है। तो पहले केवल संशोधन की शक्ति थी, बाद में संशोधन करके वहां पर एक शब्द जोड़ दिया गया है 368 में कि संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया, शक्ति और प्रक्रिया दोनों को विनियमित करने का अधिकार होगा, शक्ति और प्रक्रिया दोनों को विनियमित करने का अधिकार होगा। तो संविधान संशोधन करने की शक्ति कहां है? अनुच्छेद 368 में। वित्त आयोग 280 में, वित्तीय आपात 360 में, और अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो है वह 312 में। तो अखिल भारतीय सेवाएं कितनी प्रकार की होती हैं? अखिल भारतीय सेवाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो आप जो है केंद्र स्तर की और राज्य स्तर की, जिसमें आप देखते हैं IAS, IPS, IFS, IRS, है ना, इस तरह की ये जो सेवाएं हैं यह सब अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आप देखते हैं हम ए का चार देखिए कहां है, ये है। ठीक, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 2 है। ठीक है, डी का 2 क्लियर है यहां पर, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से किस संविधान के संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 19(1)(c) में क्या है? संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही क्या दिया गया है हमारा आपका, यहां पर इसमें अब शब्द जोड़ दिया गया है सहकारी समितियों को बनाने की स्वतंत्रता। मींस कोई व्यक्ति सहकारी समितियां बना सकता, उनका गठन कर सकता, उनका संचालन कर सकता है। तो यह जोड़ा गया है
97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है यह कि किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। प्रश्न संख्या 49, संविधान के अनुच्छेद 124A किससे संबंधित है? 124A किससे संबंधित है दोस्तों? तो 124A जुड़ा हुआ है हमारा न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। इसके संबंध में 99वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत कोलेजियम सिस्टम की जगह पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात की गई। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मींस उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी वह प्रक्रिया कैसी होगी, वह प्रक्रिया उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा की जाएगी नियुक्ति की प्रक्रिया। लेकिन एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज भारत संघ के मामले में 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसके साथ दो और अनुच्छेद जुड़े थे, 124B और 124C। हालांकि ये अभी संविधान से हटे नहीं है, ये एज इट इज अभी भी विद्यमान है संविधान में, ठीक है। आइए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं आपके या संविधान के किस अनुच्छेद में आपात उपबंध किया गया है? आपात उपबंध का प्रावधान कहां है? भाग 18 में है। भाग 18 आपात उपबंध से जुड़ा हुआ है, जो बात करता है दोस्तों अनुच्छेद 352 से 360 तक। तीन प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो इसके अनुसार हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा ए सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो यह भारतीय संविधान के 50 प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला थी आपके सामने, जो आगामी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए बनाए गए हैं दोस्तों। इन प्रश्नों को का जो समावेश है इनमें, कुछ प्रश्न जरूर आपको ट्रेडिशनल लग रहे होंगे, लेकिन इन प्रश्नों के अंदर जो संकलन है वह एक प्रश्न आपके 4 से 5 प्रश्नों को समेट के रखे हैं, संजो के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न के माध्यम से एक तो पहला प्रयास संस्थान का है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है एक बार रिवाइज क्विक रिविजन हो जा रहा है, और आगामी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह जो श्रृंखला है यह निश्चित ही बहुत ही कारगर साबित होगी आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।